तो आज हम लोग का कंबाइंड वॉलंटियर टीम मीटिंग है, तो आज गुरु पूर्णिमा भी है और आज हम सभी गुरुओं को नमन करते हैं। इनके मार्गदर्शन में हमारा विकास हो पा रहा है, तो सारे गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी कृतज्ञता का भाव है, जो हमें मानव चेतना की ओर अग्रसर करने में सहायक हो रहे हैं और हुए हैं। तो हम लोग आधे मिनट तक इन सारे गुरुओं को याद कर सकते हैं और को नमन कर सकते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे की चर्चा लेके चलेंगे। तो आधे मिनट तक हम लोग मौन रहकर याद कर लें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कृतज्ञता के भाव के साथ अगर हम चाहना को देखें तो एक व्यक्ति के रूप में हमें से हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, उसकी निरंतरता चाहता है। और समाज के रूप में देखें, हम एक मानवीय समाज चाहते हैं। हम सबकी चाहना अगर पहचानने जाएं उतना ही है कि हम निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जी पाए और साथ साथ जीते हुए हम एक मानवीय समाज की ओर, एक मानवीय परंपरा की ओर अग्रसर हो पाए। अभी तक जो प्रयास हुए अगर उसको देखें तो दिखता है कि ये एक मौलिक आवश्यकता है, हम सब लोग इस चीज को देख पा रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रस्तावना से जुड़ने से पहले देखें तो हो सकता है हम सब के अलग अलग लक्ष्य रहे होंगे, अलग अलग कामनाएं रही होंगी, इच्छाएं रही होंगी, परंतु अब हम सभी इस बात को देख पा रहे हैं कि हमारी मौलिक इच्छा तो निरंतर सुख पूर्वक जीने की है और उसके लिए जो भी कार्यक्रम बन पड़ता है उसको पूरा करना जरूरी है। तो अब हमारे लिए एक आवश्यक कार्यक्रम बन गया है। जब सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है तो हमें दिखता है कि अल्टीमेटली जो हमारा कोर अचीवमेंट है इस पूरी शरीर यात्रा का, वो तो यही है कि सेल्फ का डेवलपमेंट हो जाए। तो एक अत्यंत आवश्यक अनिवार्य कार्यक्रम है हमारे लिए, हमें दिख पाता है। अब ये भी दिख रहा है कि ये पूरा हो सकता है। कई बार ऐसा मानते रहे होंगे कि ये तो कई शरीर यात्राओं का काम है या ये बहुत दूर की दुर्लभ वस्तु है जो विरले किसी एक व्यक्ति को मिल पाती है। उसके बजाय हम ये देख पाते हैं कि हमें से हर व्यक्ति सुखी हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। पर ये भी अब दिखने लगा है कि जिस तरह से अभी हम लोग मूल्य शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और समाज में भागीदारी कर पा रहे हैं, उससे व्यक्ति परिवार में रहते हुए, अपने व्यवसाय को करते हुए, समाज में जीते हुए, शरीर का ध्यान रखते हुए, संबंधों का निर्वाह करते हुए स्वयं में परिमार्जन कर सकता है और समाज में भी परिमार्जन कर सकता है। तो ये अब ऐसा दिखता है कि ये हमारी पहुंच के भीतर की बात है। इस समय ठीक से मेहनत करने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, हम भी एक नए गंतव्य पे पहुंच सकते हैं और समाज को भी मानवीय परंपरा की ओर ले जा सकते हैं। और ये भी दिखता है कि हम जहाँ भी हैं वहां से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी हमारी सीमाएं हैं उन सब के साथ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी व्यवसाय में हो वहां से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम सबके पास भागीदारी का अवसर बना हुआ है। कार्यक्रम रूप में देखें तो अभी हम जहाँ से पूरे कार्यक्रम को शुरू किए हैं तो अभी हम लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के कोर्स को इनकॉर्पोरेट कर पाए हैं। फॉर्मल एजुकेशन में अगर हम देखें तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बात गई, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यानी यूपी का जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ये बात सिस्टम में आई मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, और उसके बाद से सतत रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले 15 सालों के उपलब्धि को देखें तो दिखता है कि पहले जब पहली बोर्ड ऑफ स्टडीज हुई तो इस पे प्रश्न हुआ कि ऐसा कोई कोर्स पढ़ाना क्यों जरूरी है, ये तो बच्चों के अंदर खुद से होनी चाहिए, ये तो परिवार से मिलनी चाहिए, अगर पढ़ाया भी जाए तो इस पे क्रेडिट्स क्यों होने चाहिए, इसे परीक्षाएं क्यों होनी चाहिए, इस तरह के प्रश्न बने। फिर इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये ऑडिट कोर्स क्यों ना हो, इस तरह की बहुत सारे शंकाएं और प्रश्न रहे। ये हायर एजुकेशन में क्यों हो, प्राइमरी से क्यों ना शुरू किया जाए, ये जो टीचर्स हो गए हैं आप इनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो ये लोग तो इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि इनको बदला नहीं जा सकता। अभी भी कई जगहों पे कभी कभी सुनने को आता है। तो अभी ये बात हमें समझ में आया कि शिक्षा का मुख्य कार्यक्रम तो मानव को बदलना ही है। तो कई प्रकार से बातों को रखते हुए, लोगों का ध्यान आकर्षण करते हुए अभी हम लोग स्थिति में आ गए हैं कि अभी इसको कोई डिनाई नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता और एक सहज रूप से लोग इसको स्वीकारने लगे हैं। बल्कि अब जो कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज इसको नहीं लागू कर पाए हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी लागू हो जाए। तो इस तरह की उपलब्धि दिखाई दे रही है। इसके कोर में देखें तो तीन तरह के डेवलपमेंट दिखाई देते हैं। एक तो हम सबके लिए सेल्फ डेवलपमेंट, हम अपने आप में स्वयं में विकास कर पाए।
हम जागृत हो पाए, हमारे अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत हो पाए, हम ज्ञान को सुनिश्चित कर पाए, अपने आप में समझ पाए, हमारे अंदर सही भाव हो पाए। ये तो स्वयं के स्तर पर कार्यक्रम दिखाई देता है। ये भी दिखता है कि स्वयं में परिमार्जन के लिए साथ साथ संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीना जरूरी है, तो हम एक टीम को भी डेवलप कर पा रहे हैं। आज की देखें तो बड़ी टीम काम कर रही है। कई बार लोगों से बात होती है तो उनकी कल्पना में नहीं आता कि इतनी बड़ी टीम बिना किसी लाभ या लोभ के ना साथ में जुड़ के काम कर सकती है। जो एक वॉलंटरी प्रयास चल रहा है, कोई व्यक्ति इसके लिए कोई सुविधा कोई पैसे की मांग नहीं कर रहा, इतनी बड़ी टीम डेवलप हो सकती है। तो एक टीम डेवलपमेंट का काम भी साथ में चल रहा है ना, और वो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट सहयोग कर रहा है, और इन दोनों के फलस्वरूप सोसाइटी का डेवलपमेंट हो पा रहा है। जब शुरुआत में एक यूनिवर्सिटी में लागू हुआ तो उस समय वहाँ पे 550 कॉलेज थे और करीब 1 से 1.25 लाख बच्चे प्रतिवर्ष एडमिशन लेते थे। और 2017 में जब AICTE ने अडॉप्ट किया इसको स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के लिए, तो उस समय AICTE में 17 लाख बच्चे एडमिशन ले रहे थे, और वैसे लगभग 14 से 17 लाख के बीच की संख्या रहती है। और अब भी आगे चल कर UGC में भी बात हो रही है, दूसरे बोर्ड से भी बात हो रही है, और पीढ़ी दर पीढ़ी अगर देखें या बैच बाई बैच बच्चे इसको पढ़ते जा रहे हैं, तो एक जनरेशन ऐसा भी होगा जिसमें हर एक बच्चा कम से कम एक बार तो इस इनपुट से गुजरा है, जो भी हायर एजुकेशन से गुजरा है। तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो इस मीटिंग में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये जो प्रयास शुरू हुआ है इसको कैसे सस्टेन किया जाए। ये बात हमको दिखाई देगा कि अल्टीमेटली ये सारा डेवलपमेंट सस्टेन स्वयं में होना है, परंतु सहयोग इसमें टीम का भी होगा, सहयोग इसमें समाज का भी होगा। जितना जितना हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सिंसियरली काम करेंगे, उतना ही हम सहज भाव से टीम को डेवलप कर पाएंगे, सहज भाव से सोसाइटी को भी डेवलप कर पाएंगे, समाज को भी डेवलप कर पाएंगे। तो प्रोग्राम के रूप में देखें तो जब हम सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें नेटवर्किंग की जरूरत है, और नेटवर्किंग के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाने की जरूरत है, अपनी स्किल्स को भी बढ़ाने की जरूरत है, लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत है, उसके लिए समय लगाने की जरूरत है। इसमें जरूरत है कि हमारे अंदर एक मानवीय समाज की दृष्टि स्पष्ट हो, और इसमें हम कैसे सामूहिक रूप से भागीदारी कर सकते हैं इसकी हमको स्पष्टता बने। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो इसे मानव लक्ष्य केंद्र में है, न कि मैं केंद्र में हूँ। तो हम किसी पद के लिए या अपनी पहचान के लिए काम नहीं कर रहे, परंतु समाज को मानव लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात हमको अपनी दृष्टि में साफ साफ दिखाई दे, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि जितना जितना हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, अपनी पहचान बनाने की इच्छा, लोगों की नजरों में उतरने की इच्छा है ना, इस तरह की इच्छाएं धीरे धीरे मूल्यांकित होती जाती है, कम होती जाती है। हमको इस बात से ही स्वयं में तृप्ति मिलती है। ये जो बाहर से दूसरों के ध्यान पाकर, पहचान पाकर है ना, कोई अनुकूल भाव पाकर जो सुख पाने की कामना है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और स्वयं में सही समझ सही भाव के आधार पर सुख बढ़ता जाता है। एक्टिविटीज ग्रुप में देखें तो जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, जैसे आज के दिन भी हम मीटिंग कर रहे हैं। मुख्य रूप से देखें तो ये जो वॉलंटरली हम सब कनेक्ट हुए हैं उन सब के लिए मीटिंग है, तो मीटिंग्स हो रही हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे ट्रांसलेशन का काम है, बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्टीज के काम हैं, नई किताबें डेवलप की जा रही हैं, इस तरह के काम हैं। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहा है, और हम लोग सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में शनिवार को AICTE के तहत जो 8 रीजन्स बनाए गए हैं देश भर में, उनकी प्रस्तुति भी करते हैं। तो हर एक क्षेत्र में क्या विकास हो पा रहा है, कितना काम हो पा रहा है, आगे की क्या योजना है, क्या दृष्टि है, इन सब पे बात होती है। टीम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आधार में विश्वास का भाव है, यानी यह दिख पाना कि दूसरा मनुष्य सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है नहीं। तो हमको अपने आप में अपना लक्ष्य स्पष्ट हो, अपनी भागीदारी स्पष्ट हो, और हम एक निष्ठा तत्परता के साथ अपने विकास के लिए काम कर पाए, दूसरों के विकास के लिए काम कर पाए। उसमें टीम वर्क बहुत जरूरी है, और टीम का एक फोकस होना, टीम का आपस में एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, जुड़ पाना, अपने भाव विचार को दूसरों के सामने रख पाना, दूसरे को मेंटर कर पाना, दूसरों की मेंटरिंग को एक्सेप्ट कर पाना, बहुत ही जरूरी है। टीम की मीटिंग्स रेगुलर हो पाना। अभी जैसे हम लोग हर संडे को RP डेवलपमेंट सेशन किया करते हैं 7:30 बजे से, और आज 10 बजे तक चला, तो लोगों ने प्रस्तुति की। ऐसे में बड़ी एक अच्छी बात देखने में आती है कि
ऐसे साथी भी जो वर्कशॉप ले रहे हैं या लेने की तैयारी कर रहे हैं, ये दूसरों का मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं और कोई प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है। नए को एक्सप्लोरर की तरह सहयोगी के रूप में, साथी के रूप में हम एक दूसरे के विकास में सहायक हो रहे हैं, दूसरे से इनपुट्स ले पाते हैं, बार बार कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षण होता है, बार बार हम उस पर काम करते हैं, अपने में सुधार करते हैं, प्रस्तुत होते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए मूल्यांकन और समीक्षा को स्वीकारते हैं, और ये बड़े सहज भाव से हो रहा है। तो हम मेंटरिंग भी कर रहे हैं और दूसरे की मेंटरिंग को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये जो हमारी परसीवरेंस है, धीरता है, ये जरूरी है एक टीम डेवलपमेंट के लिए। तो शेयरिंग होना, आपस में डिस्कशन होना ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, जहाँ जो कम पड़ जा रहा है समझ में या स्किल में, उसको कॉम्प्लीमेंट करना, एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना, साथ साथ बैठ कर निर्णय पहुंचना, एक पार्टिसिपेटिव आपस में मैनेजमेंट हो पाना, और जो भी निर्णय होते हैं उसको फिर फॉलो अप करना। और इससे बहुत जरूरी होता है कि हम सबको किसी रिमाइंडर की जरूरत ना पड़े, किसी के प्रति कोई शिकायत का भाव ना हो, जो हमको कार्यक्रम की आवश्यकता दिखाई देती है उसको हम स्वयं में समझ पाए, उसको पूरा करने के लिए लग पाए, फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और एक भाव के स्तर पे, समझ के स्तर पे जुड़ पाए। इसमें आप पाएंगे कि जैसे हम लोग जब वर्कशॉप करते हैं तो हम लोग वस्तु पे बात करते हैं, परंतु जब हम एक दूसरे से बैठ कर संवाद करते हैं तो पता चलता है कि एक दूसरे के घर की क्या स्थिति है, इसके परिवार में क्या चल रहा है, क्या कठिनाइयां हैं, किसी के व्यवसाय में प्रॉब्लम है, किसी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, किसी के परिवार में कोई समस्या है, तो हम एक दूसरे से जुड़ भी पाते हैं। तो वर्कशॉप भी जब होते हैं फेस टू फेस, जैसे अभी UHV3 का वर्कशॉप हुआ, उसका एक अनिवार्य भाग ये भी रहा कि हम लोग एक दूसरे से बैठ के एक दूसरे से एक आदमी संवाद कर पाए, कहाँ किसके घर में क्या चल रहा है, क्या कठिनाई है, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, आगे के लिए क्या साथ में जुड़ के कार्यक्रम बन सकता है, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। और कोर में जो बात हो रही है कि सेल्फ डेवलपमेंट हो, है ना, उसमें 6 कॉमन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बनाए गए हैं। इसका मतलब कि हम जब इस कार्यक्रम से गुजर रहे हैं तो हम में क्या गुण, क्या आ, आ, कैसा व्यक्तित्व हमारा दिखाई देगा, उसको हम पहचान सकते हैं क्या। तो उसके लिए जरूरी है कि वर्कशॉप अटेंड करना, बुक्स को पढ़ना, PPTs को ध्यान से देखना, उसको अपने आप में मनन करना, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स को सुनना, फिर उसमें ये भी सहायक है कि हम उसके डेमो सेशन देते हैं, कंटेंट को हम रखते हैं, लोगों के फीडबैक लेते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, फिर उसमें सुधार करते हैं। आप आएंगे, हम सबके गहरे गहरे कुछ संस्कार हैं, तो कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो सहज रूप से मूल्यांकित हो जाते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जिनमें समय लगता है, कुछ ऐसे गहरे संस्कार हैं जिसको हम कई बार सही मानकर लंबे समय तक डिफेंड करते रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मेरे अस्तित्व के लिए ये जरूरी है संस्कार को बना के रखना। तो जितना जितना हम सेल्फ डेवलपमेंट में लगते हैं, उतना हमको अपने गहरे संस्कारों की पहचान होती है और उनका मूल्यांकन कर पाते हैं। और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो जो मॉर्निंग का सेशन किया जा रहा है, जिसमें हम अभ्यास 1 और अभ्यास 2 करते हैं, उसमें हम मुख्य रूप से ये बात कर पाते हैं कि सुख का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। और सुख का स्रोत भीतर तभी हो पाता है जब हमारे संस्कारों में मूल में जाकर परिवर्तन होता है, मूलचूल परिवर्तन होता है, अदरवाइज हम विचार के स्तर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आपको ये भी दिखाई दिया कि जैसे हम कंटेंट को सुनते हैं उसे प्रभावित होते हैं, हम आशान्वित होते हैं अपने प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, परंतु हो सकता है हमारा कार्यक्रम भी आशा के लेवल पर चल रहा है, और समय निकालते हैं तो हमें कुछ विचारों में स्पष्टता बन जाती है, फिर भाव भी हमको दिखने लगते हैं, भाव में स्पष्टता बनती है, परंतु भाव के मूल में जो संस्कार है वो भी परिमार्जित होते हैं जब समझ के लिए काम करते हैं। तो एक सहज प्रक्रिया है ना, और इसमें यह भी दिखाई देता है कि ये जो फल परिणाम के लिए आकुल व्याकुल होना है, इससे हम निकल कर उस पूरी प्रक्रिया में जा पाते हैं जिसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में जा पाते हैं। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही मौलिक बात है। तो पूरे कार्यक्रम को देखें तो इन 3 भागों में चल रहा है, हमें से हर एक के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट, साथ जुड़कर टीम डेवलपमेंट, और पूरे समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए भागीदारी, 3 भागों में कार्यक्रम चल रहा है। ये 6 कॉमन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स इसमें देखें तो जैसे अगर हम इस वर्कशॉप से गुजर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या परिवर्तन या परिमार्जन दिखाई देगा, इसको हम अभी इसी क्षण मूल्यांकित भी कर सकते हैं, क्या हमको इन दिशाओं में कोई अपने आप में परिवर्तन या परिमार्जन दिखाई दे रहा है क्या। तो हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, जो हमें स्वयं में दिखाई देगा वही उन छात्रों में भी दिखाई देगा जो इस पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जो कोर्सेज पढ़ रहे हैं, एक होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ बन जाए। तो जैसे अभी हो सकता है कि हम लोग जब जुड़े थे शुरू में तो हमारा एक लिमिटेड विजन था कि नौकरी लग जाए, इतना पैसा कमा लें, परिवार हो जाए, यहाँ सेटल हो जाए, है ना,
बच्चों के लिए कुछ कर लें, फिर यहाँ मकान बना लें, आदि आदि। अभी हमारा एक होलिस्टिक विजन बन पाता है, हम मानवीय परंपरा के अर्थ में विचार कर पाते हैं, मानवीय लक्ष्य के अर्थ में विचार कर पाते हैं, दृष्टि बन पाते हैं। वैसी सामाजिक रूप से हमारा जो व्यवहार हो रहा है ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, यानी हमारा व्यवहार सामाजिक है कि नहीं, इसको भी हम अपने आप में आकलन कर सकते हैं। ये हमें अपने आप में दिखाई देगा तो हम इन बच्चों में भी ला सकते हैं इन चीज़ों को। हमारा जो कार्य है वो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार है कि नहीं, यानी क्या हम प्रकृति के साथ पूरक हो पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कल ही यूपी में लक्ष्य बनाया गया था कि वृक्षारोपण होना है, तो एक तरह से देखें तो समाज में भी इस पर ध्यान हो रहा है, कभी कभी ध्यान दिया जा रहा है, परंतु क्या हमारे आचरण का एक अनिवार्य भाग बन गया है क्या? जब जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम प्रकृति की ओर भी ध्यान दे पाते हैं। जो हमको उससे सुविधा मिल रही है वो केंद्र में नहीं है, परंतु परस्पर पूरकता केंद्र में है, क्या इस बात को हम देख पाते हैं? और वैसे हमारा आचरण कितना नैतिक है, चरित्र के साथ, नीति के साथ हम जी पा रहे हैं? वैसे ही हम अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रख पा रहे हैं, साफ सफाई का कितना ध्यान रख पा रहे हैं, और क्या हमारे अंदर चेष्टा के प्रति सम्मान का भाव, स्वीकृति का भाव बन पा रहा है कि नहीं, और जिन लोगों से भी हमारे विकास में सहायता मिल पा रही है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बन पा रहा है कि नहीं। तो ये हमारे स्वयं के मूल्यांकन के लिए भी है, जिससे हम ये आकलन कर सकते हैं कि हमारे सेल्फ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और यही बात हमको स्टूडेंट्स तक ले जानी है, यही बात हमको समाज तक ले जानी है। अगर ये 6 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स कहें या 6 जो गुण हैं, अगर ये दिखने लगे समाज के हर व्यक्ति में, तो आप आएंगे समाज का विकास सहज रूप से होने ही लगता है। तो अगर पिछले माह में हुए गतिविधियों को देखें तो विजन के रूप में दिखाई देता है कि मानवीय समाज के लिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है, तो हम लोग भी वैल्यू एजुकेशन के कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ओर जा पा रहे हैं, और उससे आगे बढ़ते हुए वैल्यू बेस्ड लिविंग की ओर जाने का प्रयास है। प्रोसेस के रूप में देखें तो स्वयं में जांच परख की प्रक्रिया चल रही है। कंटेंट जो डेवलप हुआ है उस रूप में देखें तो 16 किताबें, 8 कोर्सेज और 12 तरह के FDPs डेवलप हो पाए हैं। अभी तक हम लोगों ने 800 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन कर ली हैं, ऑनलाइन या फेस टू फेस मोड में। और अगर हम संस्थानों की बात करें तो 37 अधिक संस्थान हैं जो उसको गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं और अपने आप में एक रिसोर्स सेंटर बनने का प्रयास कर रहे हैं। करीब 80,000 से अधिक फैकल्टी तैयार हो पाए हैं, कम से कम एक बार वर्कशॉप से गुजर पाए हैं, कई फैकल्टी तो कई बार गुजरे हैं। और अच्छी बात है कि पैंडेमिक में जो ऑनलाइन वर्कशॉप चले उसमें से जिस रिगर के साथ लोगों ने अटेंड किया और जो कार्यक्रम चला उससे पिछले 3 वर्षों में कई सारे रिसोर्स पर्सन भी तैयार होने लगे हैं। 233 यूनिवर्सिटीज ने अपने यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट कर दिए हैं, और अभी तक जितने वर्कशॉप हम लोगों ने किए हैं उसमें 2 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और वॉलंटियर जो हम सब ये आपस में जुड़े हुए हैं ऑनरेरी बेसिस पे, इनफैक्ट ऑनरेरी भी एक छोटा शब्द है, हम सब लोग अपनी तरफ से तन मन धन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं कि नहीं, तो हम कोई सुविधा तो ले नहीं रहे वरन दे रहे हैं समाज के विकास के लिए, कार्यक्रम के लिए। तो ऐसे 500 से अधिक साथी हो गए हैं। अभी एक वर्कशॉप हुआ जिसको उमेश भैया लेने गए थे, तो उसमें डॉक्टर अभय जेरे जो AICT के वाइस चेयरमैन है, उनका आना हुआ इनॉग्रल में। उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, जैसे एक तो ये बात कहा कि AICT के जो चेयरमैन रहे वीर सरसरबुद्धे और जो अभी हैं प्रोफेसर TG सीतारमन सीताराम जी, तो आप दोनों की दृष्टि में बात आ गई है कि शिक्षा के लिए मूल्य शिक्षा जरूरी है, और इसीलिए अगर आप उनके फीडबैक को भी सुने, यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो जिस भाव से वो रख रहे हैं तो काफी आशान्वित है कि अगर इस कार्य को गंभीरता पूर्वक किया जाए तो पूरा एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उससे पूरा सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अभय जी ने भी ये बात कहा कि जो पूरे कार्यक्रम का मेन फोकस है कि लोगों में एथिकल कॉम्पिटेंस डेवलप हो और जिससे समाज में एक सर्वांगीण विकास हो पाए, एक मानवीय समाज के हम आगे बढ़ पाए। अगर ऑनलाइन प्रोग्राम्स का एक अवलोकन करें जो पिछले माह में हुए, तो उन्होंने 2 इंट्रोडक्टरी के FTPs किए, 5 डेज के ऑनलाइन, इंग्लिश और एक हिंदी। एक UHV 2 के FTP हुआ, 6 डे ऑनलाइन। हम लोग ने इस बार स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई नहीं किया है, वो तो कुछ समय से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फेस टू फेस वर्कशॉप शुरू होने के बाद थोड़ा सा उसमें अभी सीमाएं दिख रही हैं अपने, और भी कई प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे। रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के लिंक पे हो जाते हैं, और अभी रेगुलरली अगर हम देखें तो सप्ताह में 2 कार्यक्रम अनवरत चल रहे हैं 2020 से। तो हम लोग हर बुधवार को बच्चों के लिए एक फॉलोअप सेशन करते हैं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का, और स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए होलिस्टिक हेल्थ पे कार्यक्रम शुक्रवार को चलता है। अगर फेस टू फेस कार्यक्रमों की एक अवलोकन की जाए तो पिछले माह में हम लोगों ने 17 वर्कशॉप किए हैं, जिसमें 13 इंट्रोडक्टरी UHV फेस टू फेस वर्कशॉप हुए हैं।
और एक UHV-2 का FDP हुआ है और 3 UHV-2 के FDP हुए हैं। ACT सेल्फ फंडेड, ACT फंडेड मोड में 3 हुए हैं और सेल्फ फंडेड मोड में 1 हुआ है। उनकी पूरी लिस्ट है हम लोग के सामने। 6 से 13 जुलाई में UHV-3 आयोजित हुआ था IIT कानपुर में, जिसमें 93 पार्टिसिपेंट्स रहे और देश के 7 रीजन से रहे। ये संस्थान में जब उन्होंने विजिट किया था उस समय ग्रुप फोटोग्राफ लिया था उनके सामने। तो जो सेशन का प्लान बना वैसा था कि हम लोग हर सुबह 6:30 से 7:30 अभ्यास 1 और अभ्यास 2 का अभ्यास करते रहे। कोर कंटेंट को रखने का काम 9:30 बजे से 6 बजे तक हुआ। इनफैक्ट 9 से 9:30 इनफॉर्मल शेयरिंग भी चल रही थी, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे थे। फिर 6:30 के बाद हम लोगों ने मीटिंग्स की और 7ों रीजन के साथ मीटिंग हो पाई। अच्छी बात ये भी रही कि गणेश जी तो थे और साथ में रिसोर्स पर्सन्स भी थे, तो काफ़ी मीनिंगफुली मीटिंग हुए और मेंटरिंग का भी काम हुआ, काफ़ी अच्छे इंटरेक्शंस रहे। फेस टू फेस मिलने पे जिन लोगों की हम लोग आवाज़ सुनते रहते हैं उनसे साथ में मिलना बैठना हो जाता है, तो उसकी में ही एक उपयोगिता होती है। फिर 6ठे दिन हमने संस्थान का विजिट किया था और जो बिठूर जो नया संस्थान बन रहा है वहाँ पे भी हम लोगों ने विजिट किया था। तो अगर UHV-3 के कंटेंट को देखें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको मानव के बारे में, मानव की चाहना, मानव का लक्ष्य और मानव के लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो इसकी स्पष्टता हो जाए। वैसे ही हमें प्रकृति और अस्तित्व के बारे में स्पष्टता हो जाए और उसमें अपनी भागीदारी के बारे में स्पष्टता हो जाए और हमें मानवीय परंपरा की स्पष्टता हो जाए। UHV-3 का अगर नाम देखें तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग नेचर एंड एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिवली, ऐसा नाम है। UHV-2 में हमें एक परिचय मिल पाता है जीने के 4 स्तर के बारे में, और UHV-3 में हम अब मानव और अस्तित्व को गहराई से समझने का काम करते हैं। इसमें भी आप देखें तो शुरुआत में जो उन्होंने 3 दिन का समय लगाया वो तो इस बात के लिए लगाया कि अभी हमारी मानसिकता बन पाई है कि नहीं, हमारी तैयारी कितनी बन पाई है, कितना शिफ्ट हम ले चुके हैं अभी तक के कार्यक्रमों से और इस वर्कशॉप से हमें और क्या शिफ्ट की अपेक्षा है। तो पर्सनल डेवलपमेंट ग्रुप में देखें तो UHV-3 का वर्कशॉप है वो बेसिकली जो भी हमारे साथी हैं जो प्रोएक्टिवली लगे हुए हैं या एक्टिवली लगे हुए हैं उनके अंदर और स्पष्टता सुनिश्चित करना, समझ विकसित करना ताकि उनके स्वयं के बारे में क्लैरिटी बने। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हमारे अंदर घूमते रहते हैं जो हम लोग इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में न पूछ पाते हैं न रख पाते हैं या कभी उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर पाते, उनको रखने का एक अच्छा अवसर मिलता है। वैसे प्रकृति अस्तित्व से जुड़े बहुत सारे प्रश्न रहते हैं तो इससे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हो पाता है। वैसे एक कोहेसिव टीम बनाने के लिए प्रोएक्टिव वॉलंटियर्स की आपस में मीटिंग होना, एक दूसरे के साथ संवाद होना और डिफरेंट रीजन्स के साथ कनेक्ट होना ये हो पाता है। और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए देखें तो जो हमारा पार्टिसिपेशन है UHV के प्रोजेक्ट्स को लेकर, एक्टिविटीज को लेकर, उसकी ठीक से डिटेलिंग हो पाती है, पहचान पाते हैं हम कि हमारे क्या क्या कार्यक्रम है और उसमें कौन कौन लोग लगे हुए हैं और आपस में हम जिम्मेदारियों का आवंटन भी कर पाते हैं, शेयरिंग कर पाते हैं। ये जो UHV-3 का वर्कशॉप रहा उसमें अगर वस्तु के रूप में देखें तो बहुत ठीक से सेल्फ के बारे में बात हो पाई, ब्लॉक B1 और ब्लॉक B2 के बारे में बात हो पाई। ये भी होता है कि जब सामने बैठे हैं और पूरे समय उसमें हम ध्यान दे रहे हैं तो ज़्यादा ठीक से बात जाती है। तो हम लोग ब्लॉक B1 और ब्लॉक B2 पे तो ऐसे बात समय समय पर टुकड़ों टुकड़ों में करते रहे, परंतु जिस गंभीरता के साथ बात UHV-3 में हो पाई वो कम हो पाती है। तो एक मेजर आउटकम तो ये रहा कि हमें स्वयं के बारे में और स्पष्टता बनी। वैसे ही प्रकृति और अस्तित्व के बारे में बहुत सारे हमारे प्रश्न बने रहते हैं, इस पे हमें स्पष्टता बन पाई। इसमें हम लोगों ने जीने के यानी होने के केंद्र के बारे में बात किया और उसका सभी लोगों ने मूल्यांकन भी किया कि आज के दिन मेरा होने का केंद्र कहाँ है और मुझे आगे अपने लिए क्या योजना कार्यक्रम बनाना है। जो मॉर्निंग का सेशन हम लोग करते रहे उसमें भी एक अच्छी बात रही, जब उन्होंने SRM में किया था तो ये हम लोग सेशन नहीं रख पाए थे सुबह 5:30 से 6:30 का, परंतु इस बार 6:30 से 7:30 का, बट यहाँ पे हम लोग रख पाए। उसमें दिखाई दिया कि अभी हम लोग जो ऑनलाइन सेशन अटेंड करते हैं कई बार अपने दैनिक कार्यक्रम में लगे हुए करते हैं, बट जो हम लोगों ने साथ साथ बैठ कर ध्यान दिया उससे और गहराई बन पाई। एक और अच्छी बात रही कि वर्कशॉप तो चला ही, एक तरह से वॉलंटियर का मीट भी हो गया। तो हम लोगों ने शाम को तो बैठे थे कि फिर आखिरी दिन हम लोगों ने 3 सेशंस लगाए वॉलेंटियर्स को कैसे डेवलप करें और कैसे इनकी भागीदारी निश्चित दिशा में हो, कैसे हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव बने, कैसे हमारे अंदर अधिमूल्यन न हो, कैसे हम स्नेह के भाव के साथ जुड़ पाएं, कैसे हम अपनी भागीदारी को ठीक से पहचान पाएं। तो ये भी चीज़ें हमारे ध्यान में आई और इस पे भानु भैया, मोती भैया, गोपाल भैया, देश भैया सभी साथियों ने अपनी तरफ से बातें रखी और उससे बहुत सारे साथियों का ध्यान आकर्षण हुआ।
इतनी बातें हम लोगों ने वीक 3 में की। मॉर्निंग सेशन जो अनवरत चल रहा है उसमें अगर हम देखें तो अभी 10th बैच चल रहा है और 24 जुलाई से अभी शेयरिंग शुरू हो जाएगा। अभ्यास एक और दो आज पूरा हो गया। अभ्यास दो का जो आखिरी स्टेप था वो भी पूरा हो गया और कल समाप्त होगा अभ्यास एक और दो का, और हम लोग फिर पुराने साथियों का शेयरिंग 24 तारीख से लेंगे और नए साथियों का शेयरिंग हम लोग 28 तारीख से लेंगे। तो अगला जो बैच है 11th बैच वो 1 सितंबर से शुरू होगा और उसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है, लोग रजिस्टर कर सकते हैं। जो मॉर्निंग सेशन है बेसिकली ये हमारे स्वयं जांच परख को बनाए रखने आगे बढ़ाने के लिए है, और इससे हमें स्वयं जांच परख का एक नियमित अवसर मिलता है। रोज हम लोग असाइनमेंट्स लेते हैं, उस पर काम करते हैं। तो यह एक्सपेक्टेड है कि अब हम जितने भी साथी जुड़े हैं कम से कम हम एक मॉर्निंग सेशन तो जरूर अटेंड करें, और अपने से कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सेशन मिस नहीं किया है, और कई लोग हैं जो बैच 3 से बैच 2 से लगातार अटेंड कर रहे हैं। तो जो भी नए रजिस्ट्रेशन होते हैं वो अगर शेयरिंग को सुनेंगे तो और अच्छा रहेगा। 24 जुलाई से 31 अगस्त बीच में शेयरिंग होगा ऑर्डर चाहिए। जी। तो इतनी बात मेरी तरफ से थी, इसके बाद हम लोग अब सर को सुनेंगे। सेशन में हम लोगों ने शुरू की थी और उसको आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे। तो बहुत रिसेंटली आपसे कही थी हमने कि हम सब जीना चाहते हैं, अंतर पूर्वक जीना चाहते हैं, और करने के लिए है संबंध की आवश्यकता है, सुविधा की आवश्यकता है, तीनों की आवश्यकता है, और एक सही प्रायोरिटी के साथ इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पहला कर देखे तो राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग फिजिकल डिसेबिलिटी विद रेस्ट ऑफ नेचर, ये तीनों चीजें हम सुनिश्चित करते हैं तो हम खुद सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, दूसरों के सुख को सुखी समृद्ध करने की सोच। राइट अंडरस्टैंडिंग का विस्तार को देखेंगे तो अपने जीने का जितना भी विस्तार है मानव का, से लेकर परिवार, समाज, पूरी प्रकृति और अस्तित्व तक, उन सभी जगह हम व्यवस्था को समझ पाए और व्यवस्था पूर्वक पाए, ये हमारी जरूरत है निरंतर सुख समृद्धि से जीने के अर्थ में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, अभी जो हमारा मुख्य रूप से सुविधा केंद्रित जिसको हम लोगों ने एनिमल कॉन्शियसनेस को बताना, एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हमारी गति हो सके, मानव चेतना के साथ हम जी सकें, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सुनिश्चित करने के अर्थ में ही ये का सारा प्रयास है। पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो अस्तित्व पूर्वक है और जिसका विस्तार मान होने तक हो ही चुका है, उसमें मानव के द्वारा जो काम किया जाना है वो एक तो सही समझ को सुनिश्चित किया जाना है, सही विचार को किया जाना है, और फिर सही आचरण के साथ जीने को। तो अगर हम सही को समझ सकते हैं, सही भाव विचार हमारे में सुनिश्चित हो सकता है और हम एक सही आचरण जी सकते हैं, तो हम खुद अपने लक्ष्य को भी पूरा करते हैं और पूरे अस्तित्व में जो सुनना है उसको पूरा करते हैं। उस दृष्टि से देखें तो इस पूरे अस्तित्व में हमारा जो रोल है वो इस सअस्तित्व व्यवस्था और संबंध को समझना है और सअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक जीना। तो अगर पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो सअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक है,
हमारी भी सहज स्वीकार्यता है वो सहस्तित्व का संबंध के अर्थ में है, और इसलिए हमको जो करना है मुख्य रूप से देखेंगे तो यही काम करना है कि सहस्तित्व व्यवस्था संबंध जीना है। हमारा जीने का जो स्वरूप है उसको इस स्लाइड में रखा है हम लोगों ने, और ये जो इससे जो कुछ संभव है तो सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट की ये बात है मुख्य रूप से जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पर अभी कुमार जी ने भी ध्यान दिलाया था। और इसमें कोर बात जो है सेल्फ डेवलपमेंट का है, हमारे खुद का जो विकास होना है और खुद में स्वयं के स्तर पर जो विकास होना है वो इस सारे प्रयास के केंद्र में है। तो अल्टीमेटली हमारा जीने का स्वरूप ऐसा होगा, इस पर बहुत बार बात हुई है, फिर भी बार बार हम लोग इसको इसलिए ध्यान दिला देते हैं क्योंकि वो आपके पूरे प्रयास के केंद्र में बना रहे कि स्वयं में सस्तित्व में अनुभव से लेकर सार्वभौम व्यवस्था में जीने तक का जो विस्तार है अंततः गत्वा हम सब में वो घटित होना है, और उसके लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। और जितना जितना अपने में ये विकास होगा उतना उतना हम टीम के साथ ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और अंततो गत्वा एक मानवीय समाज को सुनिश्चित करने के अर्थ में प्रयास कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से व्यक्तिगत स्तर पर जो हमारा लक्ष्य है और समाज के स्तर पर जो लक्ष्य है हमारा उसको हम ठीक ठीक पूरा कर पाएंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात पर काम शुरू किया था कि अभी हम देखें तो हमारे जीने का केंद्र का। हमारे जीने का केंद्र कहाँ है तो इसके संदर्भ में ये 6 संभावनाएं हम लोगों ने रखी थी। सबसे नीचे देखेंगे तो सुविधा, वहां से लेकर और सबसे ऊपर देखेंगे तो दृष्टा, और दृष्टा में भी फिर सहस्तित्व। सहस्तित्व में अनुभव के साथ दृष्टा, शून्य में अनुभव के साथ दृष्टा। इसमें हमारा जीने का केंद्र कहाँ है? अगर हम अपने जीने को देखें तो कहाँ हमारा जीना केंद्रित है? सुविधा पर, शरीर पर, शरीर के द्वारा मिलने वाली संवेदना पर, दूसरे से भाव पाने पर या स्वयं में सही भाव को सुनिश्चित करने पर हमारा ध्यान अपने पर गया है, स्वयं पर गया है, और स्वयं में जो कल्पनाशीलता चल रही है, जो भाव विचार आशा चल रही है उस पर गया है। उससे भी ऊपर उठकर हमारा ध्यान क्या हमारे अपने मान्यता पर, स्वीकृति पर, संस्कार पर गया है, और ऊपर देखेंगे तो क्या हमारा ध्यान दृष्टा पर, साक्षी पर गया है, अपनी सह स्वीकृति पर गया है। और ऊपर जाएंगे तो दृष्टा की जगह पर रहते हुए हमारा ध्यान शून्य पर, अस्तित्व पर गया है, और वो हमारे जीने का केंद्र हो गया है कि नहीं। तो जीना तो हमारा इन सभी जगहों पर होगा, लेकिन अगर आप अपने में ध्यान देकर देखें तो केंद्र कहाँ है आपका? आपके सारा प्रयास, आपकी सारी ऊर्जा, आपके सारे रिसोर्स किसको सुनिश्चित करने में लगे हैं? तो यहाँ पर हम लोगों ने बात पिछली बार रोकी थी। मुझे लगता है इसके संदर्भ में कुछ शेयरिंग अगर आप रख सकेंगे तो अच्छा रहेगा, और फिर आगे की चर्चा हम लोग कर पाएंगे।
तो आप अपने को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपके जीने का केंद्र कहाँ है? ये तो बात स्पष्ट ही है कि जितना नीचे की जगह पर आप हम जी रहे हैं उतना हमारा चेतना जो है का विकास कम हुआ है, उतना हमको भी अपने पर काम करने की जरूरत है। जितनी जितनी हमारी चेतना विकसित होती जाती है उतना उतना हमारे जीने का केंद्र ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है और अंतत्वगत्वा हर क्षण हम दृष्टा की जगह पर बने रहते हैं। दृष्टा की जगह पर बने रहते हुए अस्तित्व में शून्य में संप्रिक्त होने का अनुभव कर पाते हैं, वो हमारे जीने का केंद्र हो जाता है। वहाँ रहते हुए दृष्टा की जगह से हम अपने संस्कार को, अपने भाव विचार को, आशा को देख पाते हैं, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, उसका परिमार्जन हो पाता है। इस आधार पर सही में स्वयं में हमारे संस्कार का परिमार्जन होता है, हमारे भाव विचार का परिमार्जन होता है। सही भाव के साथ हम परस्परता में संबंध पूर्वक जी पाते हैं। परस्परता में संबंध पूर्वक जीते हुए शेष प्रकृति के साथ भी हम अपने संबंध को देख पाते हैं, उसका निर्वाह कर पाते हैं और इस आधार पर फिर हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाते हैं और शेष प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक जीते हुए आवश्यकता से अधिक सुविधा को भी सुनिश्चित कर पाते हैं। तो इस अर्थ में देखेंगे तो जीना तो इन सब छह जगह पर होता है, लेकिन जीने का केंद्र हमारा दृष्टा और दृष्टा की जगह पर देखेंगे तो सअस्तित्व में अनुभव, ये हमारे जीने का केंद्र होता है। यहाँ तक कि यात्रा हम सबको करनी है, बट अभी आप अपने लिए देखेंगे तो क्या आपको दिखाई पड़ता है? जी, इस पर हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सर नमस्ते, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपको सर। नमस्ते और नमस्ते। हाँ, एक मैं देख रहा हूँ अभी पिछले करीब 1 महीने से मैं इधर सेंट्रल यूरोप में हूँ, और जब परिवार के साथ घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो जैसे हमने देख लिया कि अपने भाव विचार के स्तर पर हम स्थिर हो गए हैं, तो बाहर की कोई परिस्थिति है या बाहर का कोई दृश्य है या ये कोई भी चीज जो देखते हैं, तो उनके जो भाव बनते हैं वो मेरे नहीं बन पा रहे हैं, और फिर दिक्कत ये हो जाती है कि उनको ये लगता है कि मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ उनके साथ में, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन और उनके एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि क्या अपने अंदर भाव नहीं हो रहा है, एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो ये कहीं कोई मेरे अंदर की कमी है या मुझे कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझ पर तो बाहरी स्थिति का कोई प्रभाव ऐसे दिख नहीं रहा है मुझे। जी सर, यहाँ पर अगर आप कोई मार्गदर्शन कर पाए तो अच्छा होगा। देखिए, एक बात तो जरूर है कि जब हम अपने आप में जांच परख करते हैं तो ये बाह्य स्रोतों पे हमारा अवलंबन है, निर्भरता है सुख के लिए, वो कम होता जाता है। दूसरों का वो अभी निर्भरता बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो भाव और विचार बनेगा उस स्थिति में वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगा। फिर हम इसको स्नेह के भाव के साथ रख सकते हैं कि हाँ, मुझे अभी अपने आप में ऐसा दिखाई दे रहा है। अगला व्यक्ति हो सकता है उस बात को भी पसंद ना करे। जब हम संपूर्णता में अपनी बात रखेंगे तो उसको ध्यान जाएगा कि अल्टीमेटली अगर हम बाहर से कोई अनुकूल संवेदना लेकर सुखी हो रहे हैं भले क्षणिक रूप से, तो है तो परतंत्र ही। तो हमें अपने जी आप में जी भी ये मूल्यांकन होगा कि अभी मेरे लिए सुख का स्रोत क्या बना हुआ है, और दूसरे व्यक्ति का भी ध्यान दिला सकते हैं। इतना ही है कि जब वो व्यक्ति उस आवेश की स्थिति में तब अपनी बात ना कहें, अलग से कह दें। जब व्यक्ति थोड़ा आसानी से मेरी बात को सुन पाए, आराम की स्थिति में हो, तब कह दें। जी, जी जी बट ये बिल्कुल आप ये भी आप पाएंगे कि अगर आप भी उनमें शामिल हो गए और बाहर से सुख लेने का प्रयास करने लगे तो आप जो बाकी उपयोगी बातें बता रहे होंगे उसका वो भी महत्व नहीं स्वीकार होगा। नहीं हो। हाँ, वो भी जी स्वीकार बिल्कुल नहीं होगा। सर आप भी तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, फिर आप में हमें अंतर क्या है ना, जी ऐसी बात समझ आएगी। जी, जी भैया, बढ़िया बढ़िया भैया। जी सर, आ गए। जी नमस्ते। नमस्ते गणेश सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सभी को। ये जो संबंध की
परस्पर पूरकता है, वहाँ पे अभी शिफ्ट हुआ है, S1 से S2 में अभी आए हैं। और जैसे कि अभी टीम डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये मतलब अभी कानपुर में हम थे इतने दिन, तो वहाँ एक ऐसे ड्रीम लैंड में जैसे 10-8 दिन हम लोग रहे, सभी लोग मतलब इस बात को समझने वाले हैं। जैसे वहाँ पे वो वायरल फीवर आया था, तो वो भी सबके लिए पूरक ही हुआ था। मतलब एक कई ऐसे लोग थे, उनको फिर वो स्टेशन से छोड़ के हॉस्पिटल तक लेके जाना, उनका उनके साथ में जाना, फिर वो दूसरा उसके साथ में जो जा रहा है उसका भी सेशन मिस हो रहा है, तो वो उसकी भी हारमोनी उस वक्त नहीं बिगड़ रही थी। और फिर दवाइयाँ शेयर करना, और फिर वहाँ रहना, फिर वहाँ उतने दिनों तक उन लोगों का आपस में जो एक कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर था, उससे फिर ये ऐसा लगने लगा कि संबंध में रहने के लिए, परस्पर पूरकता के लिए सामने वाला भी हमारे जैसा ही है, तो फिर वो संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे जाते हैं। और फिर ये भी अभी आज का विषय भी टीम डेवलपमेंट ही है, तो फिर यहाँ आने के बाद तो ऐसा हुआ कि वापस आने के बाद में इतने सारे काम पेंडिंग पड़े थे, और फिर वो सारे काम एकदम आ गए, तो फिर वो एकदम डिसकनेक्ट सा हो गया। और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बढ़िया सा मूवी है, या बहुत ही अच्छी सी एक फेज है, वो खत्म ही ना हो, ऐसे इसमें से हम लोग यहाँ आ गए एकदम, और फिर वो फिर से अपने इसमें लग गए, और फिर गिने चुने लोग ही थे जहाँ पर हम UHU की बातें शेयर कर सकते, और या फिर शेयर करने पे वो उतनी सुनने की उनकी मतलब प्राधान्यता भी नहीं है। तो फिर ये महसूस होने लगा कि ये सभी लोग कानपुर में जैसे लोग मिले थे वैसे ही हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए फिर ये एकदम छोटे पैमाने पे क्यों नहीं होता, पर वो धीरे धीरे मतलब जितने लोगों तक इस बात को शेयर कर सकते हैं कि हम वहाँ क्यों गए थे, फिर वहाँ क्या हुआ था, फिर किस तरह से मैं पहले इस चीज़ों को सोचता था, अब मैं कैसे बदलाव हुआ है, मतलब संबंधों में या फिर अपने आप के अपने खुद के कॉन्फिडेंस में किस तरह से बदलाव करने की ज़रूरत है, इन बातों को फिर अभी ठीक से समझना हुआ है। और कुल मतलब S1 से S2 में अभी है, S2 से ये जो जीने का केंद्र है अभी, और ऊपर जाने की स्थिति में अपने आप को तत्पर करना है, तो ये सब शेयर करना था भैया। बढ़िया, एक बात तो समझ में आने लगती है धीरे धीरे कि मुख्य मुद्दा जो है वो हमारा खुद का जो विकास है, हमारी चेतना का जो विकास है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके साथ जो हमारे में संबंध का भाव आता है, उस संबंध के भाव के साथ जीना मुख्य मुद्दा है। और उतने के साथ जितनी भी सुविधा हमारे पास रहती है वो अपने को ज्यादा ही लगती है। तो ये देखेंगे कि आप सब अपने अपने जगह पर जहाँ रहते हैं तो जितनी सुविधा के साथ रहते हैं उसके साथ तुलना में यहाँ तो सुविधा कम ही रहती है, लेकिन वो जो चेतना का स्तर और परस्परता में जो संबंध की स्थिति बनती है उसके कारण हम अपने में इतना आराम महसूस कर पाते हैं कि नहीं। तो बढ़िया है, हर जगह हम लोग ऐसा माहौल धीरे धीरे बना सकते हैं, उसी के अर्थ में ही सारा प्रयास है। जी सर, जी ठीक है, तो इसके साथ थोड़ी बात आगे की कर लेते हैं हम लोग। तो USB 3 में अगर देखेंगे तो जिन मुख्य मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की है उसको मैं सिर्फ ध्यान दिला देता हूँ, फिर उस पर कोई प्रश्न होगा तो हम लोग थोड़ा विस्तार कर सकते हैं उसको। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो ये 3 मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। पहला था सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर मानव के जीने को देखें, मानव के होने को देखें, मानव के अस्तित्व को देखें तो उसके केंद्र में जो है वो सेल्फ है, ये जो चैतन्यता है उसकी
मैं है, वो उसके केंद्र में है। तो सेल्फ सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एक मुख्य बात हम लोगों ने ये की। दूसरा ये किया कि अगर पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो सअस्तित्व जो है इस अस्तित्व के केंद्र में है, तो कोएग्जिस्टेंस इज सेंट्रल टू एग्जिस्टेंस। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात की हम लोगों ने। और इन दोनों के योगफल में देखने जाते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कि रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड लिविंग इन कोएग्जिस्टेंस इज सेंट्रल टू ह्यूमन कंडक्ट। तो मानवीय आचरण को देखेंगे तो मानवीय आचरण के केंद्र में दो छोर हैं, एक है सअस्तित्व में अनुभव का और दूसरा छोर है सअस्तित्व पूर्वक जीने का। तो ये तीन मुख्य बातें हम लोगों ने की पूरे पृथ्वी का, अगर 8 दिन का जो एफर्ट था उसको देखेंगे तो। पहली बात ये कि मानव को देखें तो सेल्फ जो है, कॉन्शियसनेस जो है, मैं जो है, चैतन्य इकाई जो है, वो मानव के जीने के केंद्र में है। पूरे अस्तित्व को देखें तो सअस्तित्व अस्तित्व के केंद्र में है। और इन दोनों के योगफल में मानव के आचरण को देखेंगे तो इस सअस्तित्व को समझना और सअस्तित्व पूर्वक जीना ये मानवीय आचरण के केंद्र में है। तो ये तीन बातों पर हम लोगों ने चर्चा की। थोड़ा फैला कर देखेंगे उसको, ये सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इसको अगर फैला कर देखेंगे तो UHV-2 में जो काम हम लोगों ने किया उसमें ये देखा था कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट द बॉडी बट ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, सेल्फ विच इज कॉन्शियसनेस इन नेचर एंड बॉडी विच इज मटेरियल इन नेचर। तो मानव जो है मैं और शरीर, चैतन्य और जड़ के सअस्तित्व के रूप में है। मानव सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ जड़ नहीं है। UHV-3 में दो बातें ध्यान में आई, एक तो कि मानव को देखेंगे तो मुख्य मुद्दा तो सेल्फ का ही है, मैं का ही है, चैतन्य का ही है। शरीर को तो हम एक साधन की तरह प्रयोग करते हैं। तो सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन बीइंग, बॉडी इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक मेजर शिफ्ट था UHV-2 का, एक मेजर शिफ्ट ये था कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मानव सिर्फ शरीर नहीं है, मैं और शरीर का सहअस्तित्व है। अभी यहां देखेंगे तो अगला शिफ्ट यह है कि मानव के होने के केंद्र में तो चैतन्य इकाई ही है, मैं ही हूं। शरीर को तो हम साधन की तरह प्रयोग करते हैं, जैसा हम शरीर से कहते हैं वैसा शरीर करता है, जैसा हम सदुपयोग शरीर का करना चाहते हैं वैसा हम करते हैं। तो एक शिफ्ट यहाँ पर ये हुआ। इससे एक और आगे के शिफ्ट की भी बात हम लोगों ने की कि अगर सेल्फ को देखेंगे तो सेल्फ के केंद्र में भी प्योर ऑब्जर्वर है, ये जो शुद्ध दृष्टा है वो सेल्फ के केंद्र में है। प्योर ऑब्जर्वर इज सेंट्रल टू द सेल्फ, इट इज सेंट्रल टू हार्मनी इन द सेल्फ। अगर हम सेल्फ में हार्मनी एंश्योर करना चाहते हैं, स्वयं में व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं, स्वयं में संगीत और तृप्ति को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे जीने का केंद्र प्योर ऑब्जर्वर होगा, शुद्ध दृष्टा होगा। शुद्ध दृष्टा की जगह पर केंद्रित रहते हुए ही हम अपने नीचे के क्रियाओं को देख सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उनका परिमार्जन हो सकता है और नीचे की सारी क्रियाएं शुद्ध दृष्टा के साथ संगीत में हो सकती हैं, व्यवस्था में हो सकती हैं और इस तरह से हम अपने में तृप्ति पूर्वक जी सकते हैं। तो तीन शिफ्ट हुआ,
एक तो हम लोगों ने शुरू किया था इस मान्यता से कि ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू बॉडी। PHV 2 में एक शिफ्ट हुआ कि ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अभी PHV 3 में दो शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। एक तो ये कि ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो इट इज द सेल्फ विच इज सेंट्रल टू ह्यूमन बीइंग, और दूसरा ये बात कि सेल्फ के भी अगर हार्मनी को देखना चाहें तो प्योर ऑब्जर्वर जो है वो उसके सेंटर में है। हम प्योर ऑब्जर्वर के जगह पर केंद्रित रहते हुए सेल्फ को, सेल्फ की बाकी क्रियाओं को देखकर उनका मूल्यांकन करके का परिमार्जन कर सकते हैं, और इस तरह से नीचे की क्रियाएं सेल्फ के प्योर ऑब्जर्वर के साथ संगीत में हो सकती हैं, हारमोनी में हो सकती हैं और हम सुखी हो सकते हैं। तो ये जो सुखी होने की चीज है वो तो मुख्य रूप से सेल्फ का ही मुद्दा है, और सुखी होने का जो रास्ता है वो यह है कि हमारा जीने का केंद्र सेल्फ प्योर ऑब्जर्वर हो जाए, और प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर बने रहते हुए हम जीवन की बाकी क्रियाओं को व्यवस्थित कर सकें। तो ये तीन मुख्य शिफ्ट हमारे में होना जरूरी है अपने को ह्यूमन बींग के रूप में देखें। तो ये जो दूसरा शिफ्ट है एग्जिस्टेंस के केंद्र में देखेंगे तो सअस्तित्व है। सअस्तित्व की अभिव्यक्ति ही पूरे प्रकृति के रूप में, पूरे अस्तित्व के रूप में दिखाई पड़ती है। तो केंद्र में देखेंगे तो सअस्तित्व है, उसकी अभिव्यक्ति को देखेंगे, उसके विस्तार को देखेंगे तो ये पूरी प्रकृति अपने चारों अवस्थाओं के साथ और इतनी विविधताओं के साथ दिखाई पड़ती है। जो तीसरा पार्ट है रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड लिविंग इन कोएग्जिस्टेंस इज सेंट्रल टू ह्यूमन कंडक्ट। तो मानव के आचरण को देखेंगे तो ये दिखता है कि ह्यूमन बीइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। एक बात तो ये कि पूरा अस्तित्व जो है और अस्तित्व में जो मानव का होना है उसको देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर द एग्जिस्टेंस। तो मानव का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, इस अस्तित्व का, इस नेचर का एक अभिन्न अंग है मानव। एक बात तो ये दिखती है। दूसरा ये दिखता है कि इट हैज एन एक्टिव रोल टू प्ले इन द नेचर इन द एग्जिस्टेंस। तो इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में हमारा एक निश्चित भागीदारी है, निश्चित रोल है जो हमको पूरा करना है। और ये निश्चित रोल क्या है इसको जब पहचानने जाते हैं तो ये दिखता है टू कंप्लीट द अनफोल्डिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ऑर्डर। तो ये जो बात ऊपर कही गई कि सअस्तित्व व्यक्त हो रहा है और यही सअस्तित्व पूरी प्रकृति की वैविधता के रूप में, इतनी मल्टीफेरियस जो प्रकृति है अपनी चार अवस्थाओं के साथ उसके रूप में व्यक्त हो रहा है, तो उसमें देखेंगे तो मानव के होने तक का काम सअस्तित्व की अभिव्यक्ति के रूप में हो गया है। मानव के द्वारा उस अस्तित्व को अनुभव करते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने का जो काम है उसको पूरा करना है। उस अस्तित्व की अभिव्यक्ति जो अस्तित्व से लेकर सार्वभौम व्यवस्था तक जानी है उस काम को मानव के द्वारा पूरा करना हो। तो यही मानव की निश्चित भागीदारी है इस पूरी प्रकृति में, पूरे अस्तित्व में। तो उसको लिखा है टू कंप्लीट द अनफोल्डिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ऑर्डर। ऐसा करने के लिए मानव को क्या करना है? तो मानव को अस्तित्व को समझना है, व्यवस्था को समझना है, संबंध को समझना है और फिर अस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक जीना है। तो हमारा जो रोल है इस पूरे अस्तित्व में, उस रोल को समझने और उस रोल को पूरा करने और इस माध्यम से पूरे अस्तित्व के जो अनफोल्डिंग है,
अस्तित्व की जो अनफोल्डिंग है उसको पूरा करने का काम हम कर सकते हैं, और उसको करने के लिए हमको सअस्तित्व को, व्यवस्था को, संबंध को समझना है और सअस्तित्व व्यवस्था संबंध पूर्वक जीना। तो ये तीन मुख्य बातें जो थी हम लोगों ने की पूरे 8 दिन में, उसके एक एक विस्तार को देखने का हम लोगों ने प्रयास किया। इस पर कुछ और विस्तार मैं रख देता हूँ अगले 10-15 मिनट के लिए, फिर उस पर कोई प्रश्न होगा तो हम लोग बात कर लेंगे। तो एक तो इस बात को देखा कि ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, उसकी कुछ डिटेलिंग्स हम लोगों ने UHV-2 में की ही थी, उसको थोड़ा और विस्तार करके देखा हम लोगों ने। सेल्फ को देखें, मानव का जो होना है, तो सेल्फ के लेवल पर देखेंगे तो की क्रियाओं का विस्तार करके देखते हैं तो B1 और B2 ये दो ब्लॉक के रूप में सेल्फ की सारी क्रियाएं को दिखती हैं। अभी ज्यादातर समय हमारा जीना B2 के लेवल पर होता है। ऐसी स्थिति में हमारा जीना काफी दिशाहीन, अनगाइडेड रहता है। एक बार B1 का काम हो जाए तो फिर हम B2 को सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, और B1 का काम होने का मतलब ये तीन चीजें हमको दिख जाए, कंटेम्पलेशन ऑफ रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एंड रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस। ये तीन काम अगर हमारे सेल्फ के लेवल पर हो जाता है तो हम खुद पूरे अस्तित्व को सअस्तित्व के रूप में देख पाते हैं, पूरी प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देख पाते हैं और हर इकाई के साथ संबंध को देख पाते हैं, स्वीकार पाते हैं, और फिर इस आधार पर हम अपनी कल्पनाशीलता को सअस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में फैला पाते हैं। तो यहाँ ये बात देख सकते हैं कि हमारा जो देखने का स्तर है वो जितने नीचे की क्रियाओं से स्तर पर होता है उतना उतना हम चीजों को कम या सीमित रूप से देख पाते हैं। तो अगर हमारा जीना सिर्फ सेलेक्टिंग टेस्टिंग के लेवल पर है तो हम किसी भी इकाई को देखने जाते हैं तो उसके रूप को देख पाते हैं, उसके फॉर्म को देख पाते हैं। विचार के स्तर से देखेंगे तो फॉर्म के साथ प्रॉपर्टी को भी देख पाते हैं। कंटेम्पलेशन के लेवल पर देखेंगे तो रिलेशनशिप को देख पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लेवल से देखेंगे तो उसके किसी भी इकाई के इनेटनेस को, उसके हार्मनी को, उसके धर्म को देख पाते हैं। और अगर अनुभव के स्तर पर देख रहे हैं तो उसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ साथ उसका जो परम धर्म है, जो सअस्तित्व है, उसको भी देख पाते हैं। तो जितना हमारी चेतना का विकास हुआ रहता है, जितना हमारे देखने का स्तर ऊपर की क्रियाओं तक होता है, उतना विस्तार से हम किसी भी इकाई की वास्तविकता को देख पाते हैं। और जब हम अनुभव की जगह से देख रहे होते हैं तो इकाई के रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म इसके साथ पूरे अस्तित्व का फैलाव देखेंगे तो ऐसा दिखता है इसमें मानव तक का फैलाव हो चुका है और मानव के द्वारा ये काम होना है, सही समझने का, सही भाव विचार को सुनिश्चित करने का और उसके साथ मानवीय आचरण से जीने का। उसी को दूसरी भाषा में कहेंगे तो सअस्तित्व को समझने का, सअस्तित्व व्यवस्था संबंध को समझने का, सअस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में भाव विचार को सुनिश्चित करने का और सअस्तित्व व्यवस्था संबंध के अर्थ में व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करने का। वैसा करते हैं तो ऐसा हमारा जीने का स्वरूप बनता है। तो इससे हम खुद में, स्वयं में तृप्ति पूर्वक जी पाते हैं, सुपर ब्लिस से लेकर ब्लिस, सेटिस्फेक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस के साथ। परस्परता में भी हम सही व्यवहार करते हैं तो म्यूचुअल उभय सुख सुनिश्चित होता है, सही कार्य करते हैं तो उभय समृद्धि सुनिश्चित होती है, और
समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो हम मानव लक्ष्य की पूर्ति कर पाते हैं, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक। उसके फलस्वरूप अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के लिए अनुकूलता बनती है और उसके फैलने का काम क्रम से होने लगता है। इतने के साथ फिर ये जो अस्तित्व की अभिव्यक्ति का क्रम है वो पूरा होता है, जिसके बारे हम लोगों ने शुरू में थोड़ी बात की थी। तो इसके साथ अगर देखते हैं तो जो शिफ्ट की बात हम लोगों ने की, तीन लेवल पर, ह्यूमन बीइंग के लेवल पर, एग्जिस्टेंस के लेवल पर और मानवीय आचरण के लेवल पर, उसको यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहले था ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू बॉडी या फिजिकल फैसिलिटी या सेंसेशन, ऐसा हमारा सोचने का ढंग था। एक शिफ्ट ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, और सेल्फ को देखेंगे तो उसमें ये कल्पनाशीलता दिखती है, डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन दिखता है, गाइडेड हो या अनगाइडेड हो। एक शिफ्ट आगे ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग इज दिस सेल्फ, सेल्फ इज सेंट्रल एंड बॉडी इज जस्ट यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट। उसके आगे का शिफ्ट ये है कि हम सेल्फ को भी जब देखने जाते हैं तो प्योर ऑब्जर्वर की जगह से हम देख पाते हैं, ये देख पाते हैं कि सेल्फ में प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर होने का प्राविधान है। उससे नीचे देखेंगे तो संस्कार है, उससे नीचे देखेंगे तो कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन, और इस कल्पनाशीलता में देखेंगे तो डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन। और इसमें जो करने का काम है वो है ऑब्जर्विंग द इमेजिनेशन, द फीलिंग पार्टिकुलरली एंड इट्स इवैल्यूएशन बाय प्योर ऑब्जर्वर लीड्स टू प्योरिफिकेशन ऑफ फीलिंग एंड देयरफॉर अ स्टेट ऑफ हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन द सेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर बने रह सकते हैं और वहां रहते हुए अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं, अपनी कल्पनाशीलता में जो भाव विचार चल रहा है उसको देख सकते हैं और भाव का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इतना करने मात्र से हमारे भावों का परिमार्जन होने लगता है और इस आधार पर हम अपने में संगीत में हो पाते हैं, सुखी हो पाते हैं। तो ये जो संभावना है, ये जो टूल है, वो हमारे पास पहले से ही बना हुआ है। तो सेल्फ का होना, सेल्फ में प्योर ऑब्जर्वर का होना बना ही हुआ है, हमको ध्यान देने की जरूरत है और वहां पर स्थिर होने की जरूरत है। प्योर ऑब्जर्वर में देखते हैं तो इस बात की क्षमता बनी हुई है कि वो नीचे की क्रियाओं को देख सकता है, कल्पनाशीलता को देख सकता है, भाव विचार को देख सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है, और इतना मूल्यांकन करने मात्र से हमारे भावों का परिमार्जन होने लगता है और उस परिमार्जन के आधार पर हमारा भाव सहज और सुखद हो जाता है, हम अपने में आराम में आ जाते हैं, अपने में सुखी हो जाते हैं। तो ये जो शिफ्ट है 0.234 में जो कहा गया है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ देख सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो EHV-3 के कोर्स को देखेंगे तो एक तिहाई जो कोर्स है, 40 में से 14 लेक्चर हम लोगों ने इसी बात के लिए डिवोट किए हैं कि एक्सरसाइज 1 और 2 के माध्यम से हम अपने सेल्फ को देख सकें, सेल्फ में जो प्योर ऑब्जर्वर है उसको देख सकें, उस प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर हो सकें, वहाँ से वापस अपनी कल्पनाशीलता को देख सकें, अपने भाव विचार को देख सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें। इसको हम लोगों ने इन 8 दिनों में, सुबह के सत्र में 7 दिन प्रैक्टिस करके देखा। ऐसे आप में से ज़्यादातर लोग मॉर्निंग सेशन से गुजरे हुए हैं, तो मॉर्निंग सेशन में हम लोग इस काम को बहुत डिटेल में कर रहे हैं और उसकी क्या महत्ता है, क्या
इम्पोर्टेंस है, ये तो आप में से ज्यादातर लोग को देख पाएंगे। तो इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा भी किया और उसको अभ्यास भी किया। अच्छी बात है कि उस सत्र में भी ज्यादातर लोग मॉर्निंग सेशन किए हुए थे, कुछ 10 लोगों को छोड़कर, तो उनके साथ थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हम लोग को, लेकिन ओवरऑल हम लोग इस बात को देख पाए, जो 0.2, 3 एंड 4 के लेवल पर जो दिख रहा है सेल्फ के बारे, प्योर ऑब्जर्वर के बारे, अपने भाव के बारे, उसके मूल्यांकन के बारे और उससे अपने में होने वाले परिमार्जन के बारे। तो उसके बाद एक स्टेप और यहाँ पर बात हुई, जो 5.5 लिखा हुआ, ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू सेल्फ, और सेल्फ में भी देखेंगे तो सेंटर ऑफ माय बीइंग इज प्योर ऑब्जर्वर। तो मैं अपने को सेल्फ के रूप में देख पाता हूँ, शरीर को अपने साधन के रूप में प्रयोग करते हुए, और सेल्फ के स्तर पर भी देखता हूँ तो मेरे होने का जो केंद्र है सेल्फ का, वो प्योर ऑब्जर्वर है, और प्योर ऑब्जर्वर की जगह से मैं अब स्पेस पर ध्यान दे रहा हूँ, सअस्तित्व पर ध्यान दे रहा हूँ, और प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर रहते हुए मेरे में ये क्षमता बनी रहती है कि मैं ध्यान दूँ तो मैं स्पेस को देख सकता हूँ, व्यापक को देख सकता हूँ, क्रिया शून्य को देख सकता हूँ, और इस बात को भी देख सकता हूँ कि मेरा होना शून्य के सअस्तित्व में है, और शून्य के सहअस्तित्व में मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विथ रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड स्पेस, और ये बात को देख पाना कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ ब्लिस ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस इन द स्टेट ऑफ दिस रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस बाय द प्योर ऑब्जर्वर। तो ये जो नीचे बात लिखी है, प्योर ऑब्जर्वर कैन सी द लोअर एक्टिविटीज, इट कैन सी इट सेल्फ द प्योर ऑब्जर्वर, इट कैन सी द स्पेस विच इज एट द बेस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, एंड इट कैन सी इट सेल्फ सबमर्ज्ड इन स्पेस, फुलफिल्ड इन स्पेस। तो इतनी सारी चीजों को देखने की संभावना प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर है, जिस पर हमको धीरे धीरे काम करना है। तो एक्सरसाइज 1 और 2 में तो हम लोग लोअर एक्टिविटीज को देखने का काम कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन करने का भी काम कर रहे हैं, उनका परिमार्जन भी हो रहा है, खुद दृष्टा को देखने का काम भी कर रहे हैं, और ये जो तीसरी बात है कि स्पेस पर ध्यान देने का काम, शून्य पर ध्यान देने का काम, और शून्य को देखने का काम, और शून्य के अस्तित्व में अपने होने को देखने का काम, इसकी शुरुआत हम लोग अभ्यास 2 के 7वें स्टेप में कर रहे हैं। तो वहां तो शुरुआत कर रहे हैं इस बात का, ताकि हमारा ध्यान जाने लगे, है ना, उसका एक अनुमान हमको अपने में बनने लगे, उसके ग्लिम्स हमको मिलने लगे। अभ्यास 3 में हम लोग उसको विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे ध्यान में आ जाए कि ये हमारे जीने का एक प्रमुख मुद्दा है, इस बात को देख पाना कि हम प्योर ऑब्जर्वर की जगह से ध्यान देते हैं तो हम स्पेस को देख सकते हैं, और स्पेस के अस्तित्व में अपने होने को देख सकते हैं, और स्पेस के अस्तित्व में हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है, हमारी ऊर्जा संपन्नता की आवश्यकता, हमारी ज्ञान संपन्नता की आवश्यकता, और हमारे संबंध संपन्न होने की आवश्यकता, ये सारी आवश्यकताएं शून्य के अस्तित्व में पूरी होती है, इस बात को हम प्योर ऑब्जर्वर की जगह से देख सकते हैं, और इसलिए इस पर ध्यान देने का काम को शुरू करना बनता है। जितना जितना ध्यान देंगे उतना उतना उसका ग्लिम्स हमको मिलेगा, और हमारी तैयारी हो पाएगी इस बात के लिए कि हम अभ्यास 3 में जब विस्तार से इस पर काम करेंगे तो हम सीधा सीधा इन बातों को अपने में देख पाएंगे।
बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो इससे निकलने वाले हैं अगर देखेंगे तो ये निष्कर्ष है, इसको यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इस पर काम हम सबको करना है विस्तार से। तो प्योर ऑब्जर्वर कैन सी इट सेल्फ, इट कैन सी दैट इट इज सबमर्ज्ड इन स्पेस, सी द एक्टिविटी, सी द स्पेस विच इज नो एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली। तो ये बात देख पाना कि स्पेस है विच इज नो एक्टिविटी, और मैं प्योर ऑब्जर्वर हूँ विच इज एन एक्टिविटी, हम साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ मेरा होना है वहाँ पर भी स्पेस का होना है, तो हम दोनों का अस्तित्व बना हुआ है, इस बात को देखना एक चीज है। फिर इस बात को देखना कि मेरी जो आवश्यकता है प्योर ऑब्जर्वर की जो आवश्यकता है वो सारी शून्य के अस्तित्व में पूरी हो रही है, फुलफिल्ड इन स्पेस। तो ऑल नीड्स ऑफ द प्योर ऑब्जर्वर आर फुलफिल्ड इन स्पेस, ये मैं देख पाऊँ कि मेरी क्रियाशीलता हमेशा बनी हुई है ना, हमको कभी भी क्रियाशीलता का अभाव नहीं होता, ऊर्जा का अभाव नहीं होता। जब भी मैं ध्यान में देख पाता हूँ, मेरे में देखने की क्षमता निरंतर बनी हुई है। ये भी मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो दृष्टा के रूप में होना है और उसके लिए जो ज्ञान की उपलब्धता है वो हमेशा बनी हुई है। जिस चीज पर भी मैं ध्यान देता हूँ उसको देख पाता हूँ, उसका मूल्यांकन कर पाता हूँ, और ये बात भी देख पाता हूँ कि मेरी जो मेरा जो संबंध है नीचे की क्रियाओं से वो बना ही हुआ है, वो संबंध बना हुआ है, इसलिए मैं नीचे की क्रियाओं को देख पाता हूँ, उनका मूल्यांकन कर पाता हूँ, उनका परिमार्जन हो पाता है। तो ये तीन चीजें, ऊर्जा संपन्नता और ज्ञान संपन्नता और संबंध संपन्नता, ये तीनों दृष्टा के जगह पर बनी हुई है शून्य के अस्तित्व में। तो मैं अपने में तृप्त हूँ शून्य के इस अस्तित्व में, क्योंकि मेरी सारी आवश्यकताएं शून्य के इस अस्तित्व में पूरी हो रही है। तो ये अगर हमको दिखता है तब ये दिखाई पड़ता है कि मैं अपने में तृप्त बना हुआ हूँ, सुख मेरा स्वभाव है, बाहर से मिलने वाला कोई प्रभाव नहीं है। ये जो बात लिखी है, दिस इज द स्टेट व्हेन आई कैन सी दैट हैप्पीनेस इज माई इनेट नेचर एंड नॉट एन इफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। इन दिस केस आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि अल्टीमेटली हमको यहाँ तक पहुँचना है जहाँ हमको ये दिखता है कि सुख मेरा स्वभाव है और शून्य के अस्तित्व में मैं हमेशा अपने में सुखी बना हुआ हूँ, तृप्त बना हुआ हूँ, और मेरे को सुखी होने के लिए बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जब होता है तब पहली बार हमको ये दिखता है कि हमारे सारे जो प्रयास थे ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड, इधर थ्रू सेंसेशन और थ्रू फेवरेबल फीलिंग फ्रॉम आउटसाइड, अब इनकी जरूरत नहीं है। तब मैं बाहर के प्रभाव से मुक्त हो पाता हूँ, तब मेरी बाहर के प्रभाव पर जो निर्भरता थी अपने सुखी होने के लिए, उस निर्भरता से मुक्त हो पाता हूँ। लेकिन इस निर्भरता से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के साथ संबंध को नहीं देख पाते, संबंध को नहीं स्वीकार पाते, संबंध पूर्वक नहीं जी पाते। उसका मतलब ये निकलता है कि हमारे सुख के लिए बाहर के ऊपर निर्भरता नहीं है। हम शुद्ध दृष्टा की जगह पर रहते हुए व्यापक में अनुभव करते हुए इसको देख पा रहे हैं कि हमारी सारी जरूरत व्यापक के अस्तित्व में पूरी हो रही है, और इस आधार पर हम अपने में निरंतर तृप्त बने हुए हैं, निरंतर सुखी बने हुए हैं। लेकिन जब हम ये देख पाते हैं कि व्यापक के अस्तित्व में मेरा होना बना हुआ है और मैं तृप्त हूँ, हम ये भी देख पाते हैं कि व्यापक के अस्तित्व में हम व्यवस्था में हैं, संबंध में हैं, हर इकाई के साथ हमारा संबंध बना ही हुआ है, इसलिए हमारा हर इकाई के साथ संबंध का भाव बना ही रहता है, और
हरेक के साथ हम संबंध पूर्वक जीने की मानसिकता को स्वीकारे रहते हैं और आवश्यकता अनुसार संबंध पूर्वक ही जीते हैं। एक बार हम इस जगह पर हों, प्योर ऑब्जर्वर विथ रियलाइजेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड स्पेस, तो हम अपने में तो प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर तो तृप्त हैं ही, उसके साथ साथ हम लोअर एक्टिविटीज को गाइड कर पाते हैं, ठीक है ना। उस गाइडेंस के फलस्वरूप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी, कंटेम्पलेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये सारा काम हो पाता है जो B1 और B2 में होने वाला काम है। एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू कंप्लीट हार्मोनियस स्टेट इन दिस सेल्फ। तो प्योर ऑब्जर्वर की जगह तो फुलफिलमेंट है ही, प्योर ऑब्जर्वर की जगह से हम नीचे की क्रियाओं को देख पाते हैं, उनका मूल्यांकन कर पाते हैं, उनका परिमार्जन होता है। तो पूरे सेल्फ के लेवल पर, सेल्फ की सारी एक्टिविटी के लेवल पर एक हार्मोनियस स्टेट बनती है, और जिसके फलस्वरूप कि जो हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फेक्शन, ब्लिस और सुपर ब्लिस की बात है, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ, ये सुनिश्चित हो पाती है। तो सेल्फ की सारी एक्टिविटी के लेवल पर हमारी तृप्ति बनी रहती है, और उसी तृप्ति को अलग अलग हम लोगों ने नाम दिया है। और एक बार ये स्थिति है तो आउट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस, माई इमेजिनेशन इज फॉर लिविंग विथ रिलेशनशिप, हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस, एंड देयर फॉर माई बिहेवियर, वर्क एंड पार्टिसिपेशन आर इन लाइन विथ रिलेशनशिप हार्मनी। तो एक बार हमको ये दिख गया है संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व, तो हमारी सारी कल्पनाशीलता उसी अर्थ में चलती है, हमारा भाव विचार उसी अर्थ में चलता है, और हमारा व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी भी उसी अर्थ में होती है। उसी को हम लोगों ने मानवीय आचरण के रूप में देखा था, तो इतना दिखाई पड़ता है। तो आउटकम फाइनल देखेंगे तो इस रूप में दिखाई पड़ेगा। तो इतने के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की काफी विस्तार से 8 दिन तक, तो उसको मैंने बहुत संक्षिप्त में आपके साथ शेयर किया है। अब इन मुद्दों पर कोई प्रश्न है तो हम लोग बात कर सकते हैं। सर, मैं अभी UHV 3 सेशन तो मैंने नहीं किया था, पर मैं मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरा दूसरा मॉर्निंग सेशन है। और आज भी आपने जो बात रखी उससे रिलेटेड मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला तो जब मैं आपने ये पूछा था कि अभी मैं किस लेवल पे मेरे जीवन का केंद्र है, तो मैं देख पाती हूँ कि जो अभी तक का जो जीवन है, पहली बात तो दो चीजें ऑब्जर्वेशन में आई कि पूरा जीवन जो है वो संवेदनशीलता के आधार पर बिता दिया अब तक का। और दूसरी बात ये कि ये जो भाव वाला लेवल है, मेरे ख्याल से फोर्थ या थर्ड होगा, कि स्वयं से भाव पाना और दूसरों से भाव पाना, ये मेरी जीवन का मुख्य केंद्र रहा है। अब इसी संदर्भ में मैं आगे कहूँ तो मैं देख पाती हूँ कि मुझ में संवेदनशीलता, अगर मैं अपने साथ के कुछ और लोगों से कंपेयर करती हूँ, तो वो ज़्यादा है। और ये संस्कार जो है ये मुझ में बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आता है। यहाँ तक कि इस संस्कार पे मेरी बहुत मतलब पहले नज़र भी नहीं पड़ी थी। ये आज मतलब आज ही जब मैं विचार कर रही थी तो मुझे ये ध्यान में आया, ये मुझे दिखाई दिया कि मेरे अंदर जो है ये संवेदनशीलता जो इतनी ज्यादा है, ये वाला संस्कार बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। और मेरी इसी संस्कार के आधार पर मेरे अब तक का जीवन जो है वो मैं जी हूँ। और भैया, अब प्रश्न ये है कि ये संस्कार मुझे अपने इस जीवन का मतलब इस शरीर यात्रा का नहीं दिखता, ये इतना ज्यादा गहरा है कि, और मैं ये कंपेयर करती हूँ दूसरे लोगों से जो कि इतने ज्यादा संवेदनशील नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि जिन स्थितियों को मैं ध्यान देती हूँ, जो चीजें मुझे ज्यादा प्रभावित करती हैं,
जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को उतना प्रभावित करती हैं, इतना मैं अपने में देख पाई। लेकिन इतना भी ये भी दिख रहा है कि ये इस शरीर यात्रा का संस्कार नहीं है, ये और भी ज्यादा गहरा है। तो उस तक पहुंचना और उसको फिर डील करना, वहां पे समझ को स्थापित करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मेरा इननेट पार्ट हो गया है, वो संवेदनशीलता। मैं अपना प्रश्न रख पाई भैया? अभी देखेंगे ना तो ये जो भी हमारा संस्कार है उसमें बहुत सारा इस शरीर यात्रा में हमने इकट्ठा किया है, और बहुत सारा जो है पिछले शरीर यात्राओं का भी हम इकट्ठा करके चल रहे हैं। और ज्यादातर लोगों को तो अगर आप देखेंगे तो उनका जीना इतना स्थूल है कि वो सुविधा में ही लगे रहते हैं या फिर शरीर में लगे रहते हैं। ये जो संवेदना वाला भाग है और दूसरों से भाव पाने वाला भाग है, उस तक भी उनका ध्यान नहीं जाता है। उतने पर भी ध्यान जाने के लिए एक लेवल की सूक्ष्मता चाहिए। तो आपका ध्यान उतने पर गया है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा नहीं पड़ता है ना, इसलिए उससे ऊपर उठने की जरूरत है। तो ये जो 4 और 3 B है, इतने में अगर हम जी रहे हैं तो कम से कम 6 और 5 में जीने वालों की तुलना में हमारा जीना ज्यादा अच्छा है। लेकिन पूरा नहीं पड़ेगा ये, तो हमको S2 से ऊपर तो जाना पड़ेगा। दूसरे से भाव पाने पर केंद्रित होने के बदले स्वयं में सही भाव को सुनिश्चित करने पर काम करना पड़ेगा। और ऊपर जाएंगे तो स्वयं में सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए अपने संस्कार को ठीक करने का काम, और उससे और ऊपर जाकर काम कर सकते हैं तो अपने में दृष्टा की जगह पर होने का काम, वहां से अपने भाव को मूल्यांकित करने का काम ताकि उसका परिमार्जन हो सके। ये सब चीजों को क्रम से हमको करना पड़ेगा, समय तो लगेगा। और ये जो बात आपने कही कि आपको लगता है कि सिर्फ इसी शरीर यात्रा की बात नहीं है, उससे पहले की भी बात है एक, और दूसरा चूंकि पहले की भी बात है इसलिए काफी कठिन काम है। तो ये दोनों बात तो सही है कि काम तो कठिन है लेकिन करना ही है, ये काम तो हमको करना ही पड़ेगा। इस शरीर यात्रा में करें, आज करें, कल करें, अगले शरीर यात्रा में करें, अनेक शरीर यात्राओं के बाद करें, बट करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो भी संस्कार हमने बना रखे हैं, जो भी हमने मान रखा है, उन सब चीजों को देखना, उसका मूल्यांकन करना, उनका परिमार्जन होना, साथ साथ सही को देखना, सही के अर्थ में संस्कार बनना, उसके अर्थ में भाव विचार चलना, ये तो आवश्यक काम है जिसको हमको करना ही पड़ेगा। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों को ये अवसर मिल गया है कि हम इस शरीर यात्रा में अपने पर ध्यान दे सकते हैं, अपने पर ध्यान देकर अपने को देख सकते हैं, अपने संस्कारों को देख सकते हैं, अपने भाव विचार को देख सकते हैं, हम दृष्टा की जगह पर हो सकते हैं, वहां रहते हुए हम मूल्यांकन कर सकते हैं और इन भावों का, इन संस्कारों का परिमार्जन हो सकता है। तो उस प्रक्रिया को हम शुरू कर दें, समय तो लगेगा, जी लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम निर्णय ठीक से कर पाए और हर क्षण होश में रह पाए, हर क्षण दृष्टा की जगह पर रह पाए, वहां रहते हुए मूल्यांकन का काम शुरू कर दें, तो कितना भी पुरानी मान्यता हो, पुराना संस्कार हो, हम उसको देख पाते हैं, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, और देखकर दृष्टा की जगह से मूल्यांकन करने मात्र से उसके परिमार्जन का काम शुरू हो जाता है। ये बहुत सुंदर बात जी है। तो सुबह के सत्र में आपने अभी तक जितना मेहनत किया होगा, प्रयास किया होगा अपने पर, उससे अपने में बदलाव तो हुआ ही होगा कि नहीं? जी जी कब हुआ से है आप भैया। सुबह का सत्र कर रहे हैं? फरवरी माह से भैया, ये नाइन्थ फरवरी माह नाइन्थ से। बैच और
नाइन्थ बैच और टेंथ कितने दिन बैच। हुए अभी तक? 9th और 10th बैच। तो इतने दिनों में आपको क्या लगता है कि आपके संस्कार, आपके भाव विचार में कुछ परिमार्जन हुआ या नहीं हुआ? जी भैया, हुआ है। और अभी मतलब जो अभ्यास वश जब कुछ हो भी जाता है तो तुरंत ध्यान में आ जाता है। और कई परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें जो पहले से ही अपने संस्कार और मान्यता दिखाई दे जाते हैं। और फिर कहूंगी कि विशेष रूप से तब जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। लेकिन अब इस बार जो मॉर्निंग सेशन हुआ उसमें ये अभ्यास, ये बात ध्यान में आई कि अनुकूल स्थितियों में भी हमें अपने भाव और विचार पर ध्यान रखना है। नहीं तो अनुकूल स्थिति में तो यही होता था कि बाहर से संवेदनाएं अनुकूल मिल रही हैं और मस्त हो जाते थे, तब आवश्यकता ही नहीं महसूस होती थी कि यहाँ भी अपने भाव और विचार पर ध्यान देना है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने भाव के साथ में, स्थिरता के साथ में, हैप्पीनेस के साथ नहीं है, सुख के साथ नहीं है। वो अभी भी अगर हम सुखी भी हो रहे हैं बाहरी संवेदनाओं से, तो निर्भरता तो बाहर की ओर ही है। तो इसलिए मुझे प्रतिकूल जो स्थितियां हैं उनके साथ साथ मुझे अनुकूल स्थितियों में भी अपने ऊपर काम करने की जो आवश्यकता और महसूस हुई, पता लगी, और ये काम मैं कर भी रही हूँ और काफी कर पाती हूँ। और बहुत सारी जगह फेल होती हूँ और फेल होते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फेल हो गई हूँ। और फिर उसको ठीक करने करने के लिए या तो मॉर्निंग सेशन सुन लेती हूँ या किसी जो और प्रबोधक हैं या और को एक्सप्लोरर जो साथी हैं, दीदी हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। जी भैया। तो इसका मतलब यह है कि काम तो कठिन है, बहुत कुछ इकट्ठा है, बहुत समय से इकट्ठा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं हम सबको, है ना? प्योर ऑब्जर्वर का, प्योर ऑब्जर्वर की जगह से देखने का, जिसके माध्यम से हम अपना परिमार्जन कर सकते जी भैया, हैं। एक प्रश्न और है यहाँ पे। ये जब कहते हैं कि प्योर ऑब्जर्वर की तरह देखना, तो जब मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने आप में देख पाई, अपने विचारों को देख पाई और अपने भावों को देख पाई कि संबंध के भाव हैं या विरोध के भाव हैं या विचारों में कॉन्फ्लिक्ट है या विचारों में हार्मनी है, ये जो देखना होता है, क्या इसी को कहते हैं कि दृष्टा, प्योर दृष्टा के रूप में देखना? या फिर मैं अपने विचारों को कभी कभी अपने मतलब चित्त के लेवल से भी देख पाती हूँ या वृत्ति के लेवल से ही देख रही हूँ, या एक्चुअली मैं दृष्टा के लेवल से देख रही हूँ? ये भी मेरा प्रश्न था। देखिए, पॉसिबिलिटी तो ये ऐसी है कि किसी भी चीज को हम देखने जाते हैं, मैं की किसी भी क्रिया को देखने जाएं, तो उस क्रिया के स्तर से देख सकते हैं, उसके ऊपर की क्रिया के स्तर से देख सकते हैं, और अंततोगत्वा दृष्टा की जगह से देख सकते हैं। तो इसमें अंतर कैसे करेंगे? तो अंतर इस रूप में हो पाता है कि जब हम दृष्टा की जगह पर देखते हैं, तो हम नीचे के किसी भी क्रिया को देख भी सकते हैं, उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करते, हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। दृष्टा से नीचे के किसी जगह से अगर आप देखेंगे, तो उसमें फिर यह होगा कि जब आप नीचे की क्रिया को देख रहे हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं, उस समय आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। हाँ कार या संस्कार के नीचे की जगह पर जब देखेंगे, जगह से देखेंगे, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं, ये संभावना बनी रहती है। दृष्टा की जगह पर रहते हैं तो वहां से देखते हुए फिर आप प्रभावित नहीं होते, ये एक प्रमुख बात है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं पहले ही स्टेप में एक्सरसाइज 1 के, कि हमको होश में रहना है, होश पूर्वक कल्पनाशीलता को देखना है, और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ये तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, पहचान है कि हम दृष्टा की जगह पर हैं। अगर प्रतिक्रिया होने लगी तो हम दृष्टा की जगह पर नहीं है।
बहुत बढ़िया भैया, ये मेरी बहुत अच्छी क्लैरिटी हुई। ये तो ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें ही देख पाई कि जैसे ही भाव दिखते थे और लगता था विरोध के भाव है, तो तुरंत ही विचारों में ना उनको फैला के और जस्टिफाई करने लगते थे या उसको सुधारने की कोशिश करने लगते थे और फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो ये इस बार जो एक्सरसाइज 1 हुई है उसमें मैं इस चीज से निकल पाई हूँ, हालांकि बार बार होती है पर थोड़ी देर में निकल आती हूँ। तो ये इस बार की मेरी जो कहना चाहिए कि परिमार्जन हुआ है मेरा। जी बात, भैया समय तो लगता ही है लेकिन बदलाव हो रहा है, ये भी दिखता है अपने को। जो प्योर ऑब्जर्वर, अभी जो चर्चा में आप बता रहे थे, तो प्योर ऑब्जर्वर का जो है वो जब स्टेप वन करते हैं तो प्योर ऑब्जर्वर में रहते हैं, लेकिन जब जब अभ्यास एक का स्टेप एक में प्रयास करते हैं तो रह पाता हूँ, लेकिन ज्यादातर समय तो अभ्यास स्टेप एक में तो करने का अवसर नहीं, ऐसा उसमें रह नहीं पाता हूँ। तो इसलिए कैसे प्योर ऑब्जर्वर में बने रहने का, कैसा क्या करना है, यही प्रश्न। देखिए, दो बातें उसमें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि आपका निर्णय, आपका ये डिसीजन कि हमको प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर बने रहना है, हर क्षण होश में रहना है, होश में रहकर नीचे की क्रियाओं को देखना है, का मूल्यांकन करना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई रिएक्शन नहीं करना है। ये जो निर्णय है वो महत्वपूर्ण है। तो ये निर्णय को अगर आप बनाए रखेंगे, तो जैसा आपने कहा कि जब हम निर्णय को बनाए रखते हैं, उसके साथ ध्यान देते हैं, तो हम प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर रहकर देख पाते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि हमारा ध्यान हट जाता है और हम कोई ना कोई नीचे की क्रियाओं में आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आता है, ठीक है ना, तो फिर वापस वहां पहुंच जाते हैं हम दृष्टा की जगह पर। तो ये ऊपर जाना नीचे आना ये होता रहेगा, मुख्य बात उसमें यह है कि हम अपना निर्णय बनाए, कि हमको दृष्टा की जगह पर रहना है, हमको होश में रहना, होश पूर्वक हमको नीचे की क्रियाओं को देखना है, उनका मूल्यांकन करना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ये प्रतिक्रिया, होश में रहना एक बात और प्रतिक्रिया नहीं करना दो बात, ये दो को अगर आप ठीक से संभाल कर रखेंगे निर्णय को अपना, तो लौट लौट कर आप प्योर ऑब्जर्वर की जगह पर आना शुरू करेंगे। शुरू में बहुत कम होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास में आने लगता है और आप ज्यादा देर तक दृष्टा की जगह पर रह पाते हैं। तो जो अभी शशि जी कह रही थी कि पिछले सत्र में वो काम शुरू हुआ था लेकिन कम हो पाता था, अभी इस सत्र में ज्यादा हो पा रहा है और ज्यादा देर तक हम वहां पर रुक पा रहे हैं। तो ये काम में तो लगे रहना पड़ेगा, अपने निर्णय को बनाए रखना एक बात और प्रयास करते रहना दूसरी बात, ये तो करना ही पड़ेगा। और इससे अच्छा कोई काम भी क्या करेंगे, बताइए, है कि नहीं? सही 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 तो जी सर, आसान काम है और तुरंत उसका रिजल्ट आता है ना, और उसके लिए जो भी करने के लिए टूल चाहिए वो सब टूल हमारे पास है ही, तो बस निर्णय ही करना है और लगना ही है बस, ठीक है? नहीं, ठीक। जरूर।